कन्यादान विज्ञापन को लेकर आलिया भट्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, आखिर किस वजह से, क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है मुंबई में एक शख्स के द्वारा। दरअसल आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट जो है काफ़ी ज़्यादा विवादों से घिरी हैं, और उनका जो एक ऐड है जिसमें वो कन्यादान के बारे में बातें कर रही हैं, उनका कहना है कि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने जो है बातें कही हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी है। कई लोग जो हैं इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये हिंदू प्रथा के खिलाफ बनाया है और ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो वहीं एक शख्स ने मुंबई में एक थाने में रिपोर्ट भी की है, एफआईआर दर्ज भी करवाई है और कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए, कंपनी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, और ये जो आलिया भट्ट ने जो ऐड बनाया है ये सरासर गलत ऐड है, क्योंकि ये किसी की भावनाओं को भी आहत कर सकता है और कर भी रहा है। वेल, कई लोग जो हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वाकई में कन्या जो है वो दान की वस्तु नहीं है, क्योंकि इसको ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखें तो कन्या जो है वो कोई भी दान नहीं कर सकता इसको, लेकिन कई लोग जो हैं इसका विरोध लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस एड के अगेंस्ट जो है चीज़ें होना चाहिए, ये एड के अगेंस्ट और साथ ही में कंपनी के अगेंस्ट भी जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वेल, आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।